रिएक्शन में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा लंग ट्यूबरक्लोसिस था 2010 में हुआ था। उसके बाद हम चाय एस्पर्लिना खाएं एक महीना। उसके बाद क्या चीज का समस्या था? टीवी लंग टीवी था। लंग टीवी, लंग टीवी का। हाँ, जी जी। उसी में डॉक्टर दवाई चला रहे थे तो नहीं ठीक हुआ, तो वो बोला कि मुर्गा मुट खाओ, खस्सी खाओ। तो हम वो सब खाते नहीं थे, वो तो नहीं खाते था। फिर हम भी बोले कि अब चलो एस्पर्लिना लेते हैं। तीन सुबह तीन शाम खाना खाने लगे हैं उसको एस्पर्लिना। तो हमको लगता है 20 दिन में फिर थकान जो होता था से कम गया, उसका बाद होने नहीं लगा। लंग का टीवी था। हाँ जी जी। क्या क्या प्रोडक्ट रिएक्शन का उपयोग किया? हम तो सबसे पहले ज़्यादा एस्पर्लिना मारे हैं, उसके बाद कॉफ़ी ज़रा मारा तो चाय मारे। हाँ। और उसके बाद फिर दवाई का डोज घटता नहीं था डॉक्टर के, और फिर जो खाए ना सर दवाई का डोज घटा दिए। हाँ घट गया, वैसे नहीं घट रहा था, एस्पर्लिना नहीं खा रहे थे, उसको खाए थे कम गया, मतलब ठीक हो गया। फिर दवाई मतलब कोर्स से ख़त्म हो गया, उसके बाद आज तक भी ठीक है, आज कुछ भी नहीं है, बुखार भी बहुत। इसको लिए इसी बोले हैं, माँ बहना भाई बहन चाचा चाचानी जो भी हैं इनको सुने ध्यान से, और यही कहेंगे कि हम डॉक्टर की जो खा रहा है दवाई उसके साथ में लें तो जल्दी पैसा बचेगा भी, और आप जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे, और जो काम पर भी आप लग सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। ये चाय का अथी है जी, रहते हैं जी, इसे पीते रहते हैं। आपके उम्र का जो आदमी है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रिएक्शन में नहीं है, उसके लिए क्या मैसेज? मेरा उम्र के यही हम देना चाहते हैं कि इसे इसमें मिशन जल्द से जल्द अपना हम मतलब जो करते हैं वो काम है इसको भी कर सकते हैं, पार्ट ऑफ टाइम इसको भी कर सकते हैं जी। हम भी लाइफ टेक्नीशियन है। ओके।